हेलो तो स्वागत है अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल बिना कैसे मैं प्रहलाद लेके आया हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी। इसमें हम डील कर रहे हैं दूसरे लेक्चर क्लास को, यानी ये कह ले कि हमने फर्स्ट लेक्चर क्लास में आपको डील करा दिया था फिशरी कल्चर के बारे में, उसके मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स को। ये था अगले ईयर का क्लास, बट उसका सेकेंड पार्ट रह गया था, तो इस साल दे देते हैं। कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर सेकेंड पार्ट कब आएगा, तो आइए आपको सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जल्दी से आप पूरा कर लीजिए। जल्दी मेरा फर्स्ट पेपर खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले साल के कुछ वीडियो अपलोड थे, इस साल कुछ हो जाएंगे, हमारा फर्स्ट पेपर सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके 75 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अगले साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सीरीज है आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा कि एकदम हुबहू क्वेश्चन आए थे, लगभग 85% क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से आए थे, तो अगले साल का इंपॉर्टेंट अलग था, इस साल का कुछ उसमें से मिक्स करके कुछ नया डाल के फिर एकदम गर्मा गर्म मसाला आपको अगले वीक में मिल जाएगा इसी जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के लिए। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते, उससे पहले बता दें स्टूडेंट यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे क्लास का लगातार नोटिफिकेशन आपको देते रहे और जिससे आपका सही तरीके से स्टडी होती रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चाहे वो कोई भी सोशल हैंडल हो, व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो, अब भी कर दो, उसके बाद फिर आगे पढ़ाई होती रहेगी, उसके बाद आके वीडियो कंप्लीट करना। तो चलते हैं क्लास को देख लेते हैं, आज हम लेके आए हैं ब्रीडिंग पॉन्ड के बारे में, कि ब्रीडिंग पॉन्ड क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रजनन ताल के बारे में। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रजनन ताल क्या है, यानी ब्रीडिंग पॉन्ड क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना होता है, और ढेर सारे हमारे जो ब्रीडिंग टाइप्स होते हैं उनको हमारे पॉइंट्स में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, स्पेशली 3 छोटे छोटे टॉपिक को डील करूंगा अलग अलग मेथड से। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे नेचुरल ब्रीडिंग के बारे में बता रहा हूँ कि नेचुरल ब्रीडिंग क्या है। पहले जान लेते हैं कि स्पेशल हमारे जो ब्रीडिंग सिस्टम्स हैं वो हैं क्या, इतना तो जानना बनता है। तो यहां बात करेंगे सबसे पहले हम ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग क्या है, आपने जाना होगा फिशरी कल्चर यानी मत्स्य पालन के लिए, कि मत्स्य पालन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कौन सा, स्पेशली मछलियों का प्रजनन यानी ब्रीडिंग। ब्रीडिंग इतना ही जरूरी है जितना जनसंख्या बढ़ाने में हमारे यहाँ रिप्रोडक्शंस, तो उनमें भी ब्रीडिंग होती है जिससे उनकी संख्या को हम बढ़ा सके, और इनके लिए अलग अलग पॉन्ड्स की वैरायटी तय की जाती है, अलग अलग पॉन्ड तैयार किए जाते हैं, और वो पॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, यानी जो हमारे फिशरी होते हैं फिशरी में ब्रीडिंग के लिए जो पॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ से आता है, कौन सा आता है स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट आता है मेरा यहाँ पे नेचुरल, क्या आता है स्टूडेंट, नेचुरल ब्रीडिंग, और दूसरे नंबर पे आता है क्या, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो इसको देखेंगे नंबर 2 पे, इसको देखेंगे नंबर फर्स्ट पे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट के पास, नंबर फर्स्ट यानी नेचुरल ब्रीडिंग के बारे में, कि आखिर नेचुरल ब्रीडिंग है क्या। तो यहां पे नेचुरल की बात करेंगे, प्राकृतिक की बात करेंगे, कि प्राकृतिक प्रजनन क्या है। तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक प्रजनन जो होता है वो अलग अलग बंद ब्रीडिंग में ही होता है, क्या होता है, बंद ब्रीडिंग भी होता है, यानी ये कह ले इसको हम बंद ब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आ जाए आपको कि बंद ब्रीडिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंद ब्रीडिंग होता है उसे हम नेचुरल ब्रीडिंग के अंतर्गत रखते हैं, इतना क्लियर होगा। अब क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, नेचुरल जो ब्रीडिंग होती है नेचुरल ब्रीडिंग में, या नेचुरल जो बंद होता है उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के नेचर में ही क्या करते हैं, नेचर के दशाओं में, नेचर के स्पेशल हम करें कि नेचर के स्पेशल वातावरण में हम क्या करते हैं, वहां पे एक बंद बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बंद बनाते हैं, और इस प्रकार से बंद जो होता है वो निचले क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जहां पे वाटर का सही तरीके से सर्कुलेशन हो सके, और जहां पे वर्षा का जल एकत्र हो सके, क्या हो सके, वर्षा का जल एकत्र हो सके, और एकत्र होने के साथ साथ जब ये जलाशय यानी पॉन्ड सही तरीके से भर जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इनमें से जल बाहर निकालने की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था भी बना लेते हैं, कि आवश्यकता अनुसार वाटर को बाहर की ओर निकाल दिया जाए, क्या हो जाए स्टूडेंट, आवश्यकता से अधिक जितने भी वाटर है उसको बाहर की ओर हम सही से निकाल दें, और जिससे हमारा पॉन्ड सही तरीके से वाटर को लेके अपने
पूरे एरिया में बना रहे, जहां पे हमारे जो मछलियां हैं, जो हमारे स्पेशल फिशरी वहां पे डाले गए हैं, ठीक, उनका सही तरीके से ब्रीडिंग हो सके, वो अन्य जनन कर सके, जिनसे अलग अलग टाइप्स के यहां पे ब्रीडिंग देखने के लिए मिल जाता है। तो नंबर फर्स्ट हम डील करते हैं सबसे पहले इसी ब्रीडिंग एरियाज में, यानी नेचुरल ब्रीडिंग के अंतर्गत। सबसे पहला नंबर आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कि पहले नंबर पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहले नंबर बोल रहा है वेट बंद। जो वेट बंद है ये होता है क्या है, देखो जो वेट बंद होता है ये कह सकते हो ये स्थाई बंद होता है, मतलब इसके उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, बट रह गया तो रह गया। और जो ये पूरे वर्ष भर क्या करता है, ये जो हमारा वेट बंद है ये पूरे वर्ष भर सही तरीके से भरा रहेगा, जल से लप्पा लप भरा रहता है। इसका फिगर की बात करेंगे तो फिगर एरिया कुछ ऐसा होता है, चलो आओ देख लेते हैं कैसा होता है इसका फिगर। इसके फिगर में हम ऐसे देखेंगे कि इतना बड़ा मान लो एक तालाब हो गया स्टूडेंट, क्या हुआ इतना बड़ा एक हमारा तालाब हो गया। तालाब में हम टू कैटेगरी डिवाइड करते हैं इनको, ऐसे कुछ बना लेंगे, ठीक। चलो इतना बड़ा हमारा तालाब एरिया हो गया, तालाब के बाहर क्या होता है, यहाँ पे हमारा पूरा पूरा सिस्टम्स होगा जहाँ पे हम मछलियों को सही तरीके से क्या करेंगे, पालने के लिए लगाते हैं। क्या करते हैं, मछलियों को पालने के लिए लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जल निकास के लिए क्या करते हैं, जल निकास के लिए सही तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा, क्या होगा वाटर बाहर चला जाएगा। तो हम कुछ ऐसे इनको बना लेते हैं, ठीक, इनको हम ऐसे बना लेंगे। मान लो मेरा ये बीच वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ठीक, हम इन्हें नॉमिक्लेचर करने के बेसिस पे देखें तो ये जो मेरा होगा वही हमारा हो जाएगा स्पेशली यहाँ पे पॉन्ड के बारे में, कि जो मेरा बीच वाला एरिया है इतना, ये हमारा पॉन्ड होगा, क्या होगा पॉन्ड होगा, ठीक। उसके बाद देखो पॉन्ड के बाद ये जो हमारा ये एरिया होता है वो मून होता है, ये जो हमारा एरिया है इसको हम सिंपल फॉर्म में क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम कह सकते हो MOAN, ठीक, ये हो जाएगा। और ये हमारे सॉयल होते हैं, क्या होते हैं, ये हमारा सॉयल होगा जहाँ पे सही तरीके से पूरे पूरे पॉइंट्स रहेंगे, ठीक। अब देखो ये क्या है, आउटलाइट है, क्या है, आउट एरियाज कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, आउट एरिया कह सकते हो या आउटलिस्ट कह सकते हो इसको, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा स्पेशली हमारे पास आउटलेट एरिया, ठीक। तो ये जो बीच वाला एरिया पूरा दिखाई दे रहा है यही एरिया और होता है हमारा स्पेशल वेट पॉन्ड का एरिया, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब नंबर दूसरे पे चलते हैं, ड्राई। ड्राई पॉन्ड का मतलब होता है सूखी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सूखे की बात कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जो सूखा है वो किसके बारे में बता रहा है, ठीक। अब देखो इतना तो हमने क्लियर करा है, ये फिगर आप ज्यादा बेसिस नहीं था, ठीक। अब देखो दूसरा जो होता है वहां पे ड्राई पॉन्ड की बात करते हैं हम। ड्राई पॉन्ड में ये होगा कि ये अस्थाई होता है और कम गहरा होता है, कैसा होता है, अस्थाई होगा दूसरे नंबर वाला, और कैसा होगा स्टूडेंट, ये दूसरे नंबर वाला कम गहरा होता है, क्या होता है, कम गहरा होता है। कम गहरे के साथ साथ ये कई प्रकार के बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, ये अलग अलग मिट्टी के दीवारों से भी हम इसको बना सकते हैं, एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो जब अलग अलग मिट्टी के दीवारों से हम बना सकते हैं और जो ये कहता है ये पूरी ओर से बंद रहता है बट एक ओर से सही तरीके से खुला रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। और पूरे पूरे जो वर्षा की जल होती है, क्या होती है, बारिश के जो पानी होता है वो इसमें एकत्रित हो जाता है और इसे हम पर्याप्त पानी के फॉर्म में, मतलब ऐसा ना करें कि ज्यादा वाटर हो जाए, इसको कम वाटर में हम इसको क्या करते हैं, भरते हैं। और भरने के बाद धीरे 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 वर्ष में एक दो माह तक इसमें वाटर रख सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये सूख जाता है, क्या होता है, सूख जाता है, मतलब तीन चार महीने में, दो तीन महीने के अंदर ये पूरा पॉन्ड सूख जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम ड्राई पॉन्ड के नाम से, यानी सूखा, क्या कहते हैं, सूखा बंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक। वही तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट, यदि फिगर इसकी बात करोगे तो मैं फिगर दोनों को दे दे रहा हूँ, ठीक, आपको बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेस्ट बंद का भी फिगर दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद जो हमारा ड्राई बंद है उसका भी फिगर दिखा दे रहा हूँ, दोनों फिगर आप देख लीजिएगा। वही बात करते हैं नंबर तीसरे की, नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, यहाँ पे हम मॉडर्न की बात करेंगे कि जो मॉडर्न बंद होता है वो कैसा होता है। देखिए स्टूडेंट मॉडर्न बंद की बात करेंगे, वो स्थाई बंद होता है, क्या होता है, कैसा होता है, स्थाई बंद होता है। और स्थाई बंद होने के साथ साथ जिनमें जो जल होती है वो बाहर की ओर निकालने के लिए एक निकास द्वार होता है, काफी अच्छे से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर की ओर निकाल सकते हैं।
और प्रत्येक यानी हर बार जो अंड जनन के बाद यानी मछलियां जब अंडे दे देती हैं उसके बाद इनके पानी को सही तरीके से हम निकाल कर पूरे पॉन्ड को यानी जो हमारा मॉडर्न बंद होता है उसको हम साफ कर लेते हैं अगले जनरेशन के लिए या अगली बार अंड जनन के लिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ, इतना हो गया हमारा नेचुरल ब्रीडिंग के अंतर्गत कि हम नेचुरल ब्रीडिंग में यही सिस्टम को अपनाते हैं। वही बात करेंगे यहाँ पे अनड्यूस्ड की, बात करेंगे किसकी, अनड्यूस्ड ब्रीडिंग की बात करेंगे दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे ये देखते हैं स्टूडेंट, इनमें मछलियां क्या होती हैं, छोटे छोटे डंपों में कि क्या होते हैं, डिपो में से उठाकर हम क्या करते हैं, नदियों में या इसके जो प्राकृतिक जनन क्षेत्र होते हैं उनमें से एकत्रित कर लेते हैं। क्या करते हैं, उनमें से एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के बाद उनका संग्रह करते हैं, संग्रह करने के बाद उनको बड़ी सी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल डिम प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वहां पे लाते हैं, लाने के बाद उनमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ठीक, क्या होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद अलग अलग हार्मोन से क्या होता है, अलग अलग हार्मोन्स के वजह से वहां पे क्या देखते हैं, छोटे छोटे डिंब यानी अंडे देने प्रारंभ होते हैं या अंडे देने के लिए हम उनको क्या कर सकते हो, प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, इसीलिए हम इसे प्रेरित प्रजनन के नाम से हिंदी में जानते हैं। जैसे यहाँ पे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रेरित प्रजनन, यानी कुछ मछलियों के जो डिंब होते हैं, ठीक, शीर्ष होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, नदियों से यानी जलाशयों से, छोटे छोटे झीलों से एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद उन्हें अलग अलग फर्टिलाइज के फॉर्म में या फिर ये कह ले अलग अलग पॉन्ड में हम क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित करने के बाद उन्हें हार्मोनल चेंजिंग देते हैं। क्या करते हैं, हार्मोनल चेंजिंग देते हैं या फिर बाहर से कोई ऐसा फैक्टर लगाते हैं जिससे वो जो हमारे डिंब होते हैं वो आपस मतलब क्या करें, जर्मिनेट हो सके, अगले जनरेशन के लिए प्रेरित हो सके, इनके बारे में फर्टिलाइज कर सके। तो ऐसे देखो क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे स्पेशल अनड्यूस्ड ब्रीडिंग की बात कर रहा है तो ये प्रेरित है, मतलब सिंपल से फॉर्म क्रिएट करेगा। ठीक, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब देखो इनका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता बट इनका जो मेथड है यही पेपर में लगातार आता है कि मेथड ऑफ इंड्यूस्ड जो ब्रीडिंग होता है वो क्या कहती है और उसके अंतर्गत दो मेथड पढ़ाए जाते हैं हमको जो काफ़ी डीप में पढ़नी होती है। तो यहाँ से फर्स्ट मेथड आता है मेथड ऑफ, पहले इसको देख ले, क्या स्पेशल मेथड में हम क्या डील करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि प्रजनन स्वभाव के आधार पे, कैसा, प्रजनन स्वभाव के आधार पे यानी ब्रीडिंग के बेसिस पे, क्या होगा स्टूडेंट, ब्रीडिंग के बेसिस पे जो हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, या कल्चर वेटेड की बात कर लें, ब्रीडिंग कैसा, ब्रीडिंग बेसिस पे या फिर जो हमारा कल्चर वेटेड वेसेस होता है उसके आधार पे मछलियों को हम दो क्लास में यानी दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट ये वाला है, क्या है, नंबर फर्स्ट ये, नंबर टू ये। तो नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, नंबर फर्स्ट में कह रहा है मेथड ऑफ, क्या हो रहा है, मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन पॉन्ड ब्रीडिंग, मतलब यहाँ पॉन्ड के बारे में बताएगा, हिंदी में ये कह ले कि तालाब में क्या होगा, तालाब में प्रजनन करने वाली मछलियों में प्रेरित प्रजनन की विधियां, और दूसरा क्या होगा, मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड नॉन पॉन्ड ब्रीडिंग, यानी दूसरा ये कहेगा कि तालाब में प्रजनन न करने वाली मछलियों में प्रेरित प्रजनन विधि। तो दोनों विधियों को देखना है, तो नंबर फर्स्ट हेडिंग आप कर लीजिएगा यहां से मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड पॉन्ड ब्रीडिंग के बारे में, इसके बारे में हम डीप में देखेंगे छोटा सा। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इस प्रकार की जो मछलियां होती हैं इनमें हम ये कराते क्या हैं, इस प्रकार के मछलियों में कृत्रिम तालाब यानी आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स होता है, पॉन्ड्स में डिम्ब देने वाले जो हमारे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है, बट उनका जो स्वाभाविक संख्या होता है, क्या होता है, स्वाभाविक संख्या होता है या सर्वाधिक संख्या होता है, सर्वाधिक संख्या में डिम्ब देने के लिए या डिम्ब से रोकने के लिए हम तालाब में प्रजनन करने वाली मछलियों में से जो नर मछलियां होती हैं वो मादा मछलियां होती है उनमें अंतर कर देते हैं। क्या करते हैं, अंतर करके निम्नलिखित में से किसी एक की पॉइंट्स को, या फिर हम मेल को कम कर दें या फिर फीमेल को कम कर दे, एक विधि द्वारा डिम्ब देने के लिए प्रेरित करते हैं। कि कभी कभी मेल को रोक दिया जाएगा, संख्या कम कर जाती है, कभी कभी फीमेल की कम कर दी जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पे
कंडीशन फर्स्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हमको स्टूडेंट यहाँ पे कि जो स्पेशल हमारा ब्रीडिंग पॉन्ड होता है, क्या होता है ब्रीडिंग पॉन्ड होता है, उसमें कुछ चुने गए, क्या होते हैं कुछ चुने गए अंडे देने वाली मछलियों को डाला जाता है नंबर फर्स्ट में किया जाएगा। कि जो हमारा आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है उसमें कुछ हम जिसको सेलेक्ट करेंगे वहीं जाके उसमें रहेगी, ठीक। और दूसरे नंबर पे ये देखते हैं जो हमारा पॉन्ड होता है, पॉन्ड में ताजा वो ऑक्सीजन युक्त, कैसा होता है ऑक्सीजन युक्त, यानी जिसकी बीओडी काफी अच्छी हो, ठीक, उस वैसा जल उनमें मिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि गंदा संदा जल भर दिया उसी में वैसा पड़ा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें एकदम साफ वाटर भरा जाता है और ताजा जल भरा जाता है, इस चीज को आपको याद रहे, ठीक। पहले नंबर हमने क्या देखा, पहले नंबर पे आर्टिफिशियल हमारा जो पॉन्ड होगा उसमें कुछ चुनी हुई सेलेक्टिव जो अंडे देने वाली मछलियां होती हैं उनको डाला जाएगा, दूसरे नंबर पे उनमें ताजा और ऑक्सीजनेटेड हमारा क्या मिलाया जाएगा स्पेशल वाटर मिलाया जाएगा, और तीसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि अंडजनन यानी अंडे देने को या अंडे देने के लिए प्रेरित करने वाले जो स्पेशल ताल में वर्षा के जल भी मिलाया जाता है, क्या होता है वर्षा के जल को या जल को वर्षा के जल से बदलते हैं, मतलब जो बारिश का पानी होता है स्पेशल रेन वाटर होता है उसको भी हम मिला देते हैं, जिससे काफी अच्छा होता है, प्रेरित करता है, इफेक्टिव होता है किसके लिए अंडजनन के लिए। तो ये किसके में आएगा इसके बारे में। अब देखो भारत में प्रेरित प्रजनन कैसा होगा, भारत में स्पेशल ऐसे कह लो इंड्यूस्ड प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया, कि इंडिया में ऐसे वैरायटी को कब कब लाया गया या कैसे हम इनको देखते हैं। तो भारत में हम बात करें तो समान तरीके से स्टूडेंट जो हमारे अलग अलग क्या है कार्पियो की बात करेंगे, क्या करेंगे कार्पियो की बात करेंगे, कार्पियो को कृत्रिम ताल यानी आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में हम वर्ष में कई बार अंडे देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो याद रहे कभी कभी पूछता है कैसी कौन सी स्पीसीज है यानी ऐसी कौन सी मछली है जिसको हम कैसे कर सकते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड में जिला सकते हैं या फिर वहां से ब्रीडिंग करा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में समान तरीके से जो हमारा कार्पियो होता है या फिर इसको सी प्रिंस क्या कहते हैं सी प्रिंसेस आपका कार्पियो होती है, ये वर्ष में कई बार कृत्रिम पॉन्ड यानी आर्टिफिशियल पॉन्ड में अंडे देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जबकि जो यूरोप में होते हैं, यूरोप और कई अलग अलग देशों में इनकी काफ़ी मछलियां मतलब इनकी काफ़ी वैरायटी हैं जो अलग अलग अंडे देने के लिए निकाली जाती है, बट भारत में इनके इनसे ज़्यादा कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो जब इतना पता हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे दूसरे नंबर के साथ कि दूसरे नंबर में हमारा क्या पॉइंट्स कह रहा है। तो नंबर टू की बात कर ले स्टूडेंट, यहाँ से नंबर टू में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ इंड्यूस्ड जो हमारा क्या है ब्रीडिंग इन नॉन पॉन्ड यानी जो हमारा नॉन पॉन्ड ब्रीडिंग है, ठीक, जो जल में ऐसी मछलियां जो जल में स्पेशल ब्रीडिंग ना करती हूँ प्रेरित ना होती हूँ उनके बारे में हमको देखना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ क्या आता है, ताल में प्रजनन न करने वाली मछलियों की स्पेशल प्रजनन विधि के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है स्टूडेंट कि स्पेशल हम लुब्योता की बात करें, ठीक, अकतला की बात करें और सिरहिना है, ऐसी कई मछलियां हैं जो भारतीय कार्फ हैं, चीनी कार्फ हैं, ठीक, चाइनीज कार्फ, इंडियन कार्फ, ये कई ऐसी व्यावसायिक मछलियां होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कैटशिप भी है, ठीक, खारे जल में ये रहने वाले सारे लोग हैं। ऐसे प्रजनन के लिए इनके प्रजनन के लिए हम क्या करते हैं पॉन्ड में प्रजनन नहीं करा सकते, तो इन्हें प्रेरित प्रजनन के लिए दो विधियां अपनाई गई हैं, क्या करती हैं यहाँ पे इंड्यूस्ड मेथड के लिए दो स्पेशल मेथड को क्रिएट किया जाता है, वो मेथड क्या क्या है। तो पहला होता है यहां पे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, क्या होता है बंद ब्रीडिंग कह सकते हो इसको, इंड्यूस्ड बंद ब्रीडिंग यानी बंध द्वारा प्रेरित प्रजनन, हाँ हिंदी में बंध द्वारा प्रेरित प्रजनन। अब देखो बंध द्वारा प्रेरित प्रजनन क्या है या बंध द्वारा प्रेरित प्रजनन क्या है, तो प्रेरित प्रजनन में क्या होता है प्रेरित किया जा रहा है, क्या होता है प्रेरित यानी उसको ढकेला जा रहा है, उसकाया जा रहा है, इसके बारे में बता रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट होगा क्या, इस वाले सिस्टम में कुछ करना नहीं है, पहले नंबर हमको ये देखना है कि जो बंद विशेष होता है, क्या होता है बंद विशेष प्रकार के जो ताल होते हैं यानी पॉन्ड होता है उसमें मछलियों को क्या मछलियों द्वारा स्पेशल ब्रीडिंग के लिए, क्या होता है ब्रीडिंग के लिए अलग अलग
पारिस्थितिकी तंत्र लगाया जाता है, यानी अलग अलग फेवरेबल कंडीशन दिए जाते हैं। ठीक, अब जब अलग अलग कंडीशन दिए जाते हैं तो उनमें जो हमारे पुराने जल होते हैं उनको निकाला जाता है और चारे की व्यवस्था को बनाया जाता है और वाटर को सही तरीके से बारिश के जो जल होते हैं उनसे बदला जाता है और बदलने के बाद हम इनको सही तरीके से क्या करते हैं उनके फेवरेबल कंडीशन को लाते हैं। क्या करते हैं? फेवरेबल कंडीशन को लाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो जो हमारे इंडियन कार्प होते हैं, क्या होते हैं, इंडियन कार्प होते हैं, वो कार्प बाढ़ के समय, यानी जो हमारा बाढ़ होता है, नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ के समय नदियों से हम क्या करते हैं उसका कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के साथ साथ क्या करते हैं, उनके स्पेशल जो हमारे बंध बनाए गए हैं, क्या यहाँ पे बॉन्ड बनाए गए हैं, बंध में हम क्या करते हैं उनको लाते हैं। क्या करते हैं? लाते हैं। लाने के बाद नदियों जैसा क्या होता है, आर्टिफिशियल जो हमारा बॉन्ड होता है उनमें हम नदियों द्वारा कंडीशंस अप्लाई करते हैं, अलग अलग कंडीशंस पे, टेम्परेचर हो सके या फिर वाटर हो सके, और लाने के बाद आकाश के बादल यानी ऊपर के जो टेम्परेचर्स होते हैं पॉन्ड का वो लगभग 24 से 32 डिग्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 24 से 32 डिग्री होना चाहिए। जब 24 से 32 डिग्री होता है उसके बाद जो वाटर होता है उसको फ्लो कराया जाता है। क्या होता है? फ्लो कराया जाता है और ऊपर से कभी कभी उनको बारिश के फव्वारे भी दिए जाते हैं। क्या होते हैं? बारिश के फव्वारे दिए जाते हैं। ऐसे कार्य करने पर जो हमारे इंडियन कार्प होते हैं वो ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं, यानी प्रेरित हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद यही एक ऐसा मेथड है जो अलग अलग विधियों से या अलग अलग मछलियों में यही विधि अपनाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और बात करें पश्चिम बंगाल, ठीक, ऐसे कई एरिया में ऐसे ही मछलियों का ब्रीडिंग कराया जाता है स्पेशल तालाबों से पकड़ के। ठीक, ये तो पहला हुआ। दूसरा मेथड क्या है? ये तो बड़ा क्रिटिकल है दूसरा मेथड। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हार्मोन। ठीक, हार्मोन्स द्वारा प्रेरित प्रजनन, ये देखो इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आया है कि हार्मोन्स द्वारा प्रेरित प्रजनन को दिखाइए, तो आप दिखाइए, बताइएगा क्या होता है। अब देखो, प्रेरित प्रजनन का मतलब मास्टर ग्लैंड के बारे में बात करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनिमल के लिए। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो एपिकल पोर्शन होता है यानी अग्रभाग होता है, अग्रभाग पर हमारे एक हार्मोन सीक्रेट होता है। कहाँ? मेरे नहीं, ध्यान दीजिए, मैंने उसके मछली के, ठीक, मछली के जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, उसके अग्र पोर्शन पे क्या होता है, वहां से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। क्या होता है? हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोनोडोट्रोपिन। क्या कहते हैं? गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम जानते हैं। वहां से एक FSH, क्या होता है, FSH और LH दो तरह के यहाँ पे लैंगिक यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए अलग अलग अंडा सेक्सुअल मेजोरिटी या मेच्योरिटी और उसके साथ साथ जो अंड जनन होता है उसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने के साथ साथ हम बात करेंगे अलग अलग कंट्रीज में, चाहे ब्राजील हो, रूस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, अब इंडिया में भी धीरे धीरे आ गया है। तो ऐसे मेथड को अपनाया जाता है उनको कि उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको उकसाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए और प्रेरित करने के साथ साथ ये अंडे देने के काबिल आएंगे। भारत में इस विधि का प्रयोग सबसे पहले एक आदमी थे, शायद उनका नाम था खान, क्या थे, खान 1938 में आए थे, क्या थे, 1938 में आए थे। उसके बाद चौधरी ने 1955 में क्या बोला, अलग अलग मछलियों द्वारा, अलग अलग मछलियों पे इन्होंने वर्क किया। वर्क करने के बाद इन्होंने पूरा का पूरा अपना एक स्टडी दिया, क्या दिया, स्टडी दिया आजकल के कार्य की, अनेक सारी जातियों पे इसी हार्मोन्स द्वारा हम अंड जनन कराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखो, ये तो स्पेशल इंट्रोडक्शन हुआ। अब हमारा जो हार्मोन्स हैं, क्या है, हार्मोन्स देने के जो मेथड होती है वो होती क्या है, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। हमने बता दिया कि फला 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 है, गोनाडोट्रोपिन है, और उसके बाद FSH है, LH है, ये सब हार्मोन्स क्या करती हैं, परिपक्व करते हैं किसको, इसके सेक्सुअलिटी के लिए और रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, ये खान आए, ये चौधरी आए, इतना बता दिया। उसके बाद इसको देना कैसे है, इसको नहीं बताऊंगा तो बोलोगे कि गुरु जी तो बता के चले गए बट कुछ तो मतलब था नहीं। ठीक, नीचे कमेंट में यही लिखोगे सर मजा नहीं आया, तो बट मजा आना चाहिए, बता रहा हूं कि हार्मोन्स देने की मेथड क्या है, सीख के जाओ, छोटा सा बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जो हमारे सही तरीके से उनका स्वभाव होता है, एक स्वभाव होती है मछलियों में, एक लैंगिक रूप में, वो परिपक्व तुरंत ही और सारी मछलियाँ
पीयूष ग्लैंड्स होती हैं उनको निकाल कर विशुद्ध एल्कोहल में डाला जाता है, यानी कह लें क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उनको निकाल कर उनके जो एल्कोहल होते हैं उसमें डालकर सील बंद करके ट्यूब में भर दिया जाता है। क्या होता है, बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब देखो, मतलब फर्स्ट लैंगिक स्वभाव से या एक स्वभाव या लैंगिक रूप से परिपक्व जो मछलियां होती हैं जो तुरंत मर गई होती हैं उनके पिट्यूटरी को निकाला जाता है, और पिट्यूटरी को निकाल कर बिना इन्फेक्शन हुए उनके जो पिट्यूटरी होती है उनको एल्कोहल में रखकर सील बंद ट्यूब में हम क्या करते हैं, शीशे में या ट्यूब में बंद करके उनको रख देते हैं। कहाँ पे, फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में रखने के बाद क्या रख देते हैं, और इस कार्य के लिए पूर्ण से परिपक्व या स्वभाव में अधिक उपयुक्त रहती हैं, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि ज़्यादा वो मेच्योर रहेंगे तो उनके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो उतने ज़्यादा मेच्योर होते हैं, इस चीज़ को पता होना चाहिए। अब इंजेक्शन देने से पहले वजन की हुई, ध्यान देना, वजन की हुई ग्रंथियों को आसूत जल मतलब समझ रहे हो ना, आसूत जल, नमक या नमक भी ले सकते हो, नमक के लगभग 0.3% जल से शुद्धिकरण किया जाता है, यानी हम प्योर करते हैं। प्योर करने के बाद अब इनमें हमारा सेंट्रीफ्यूज होता है, यानी निलंबन को सेंट्रीफ्यूज करके करने के लिए रख जाता है। अब क्या होता है, जो पुच्छ पंख होता है, क्या होता है, पुच्छ पंख यानी उसका जो टेल फिन होता है, टेल फिन के आधार पे यानी पीठ पे हम छोटे से यानी उसका जो श्रोणी पंख होता है, ऊपर वाला पंख होता है, उसमें क्या होता है, पेरिटोनियम, क्या होता है, पेरिटोनियम में इंजेक्शन देते हैं। किसके, मछलियों के पेरिटोनियम। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये शायद हमको लगता है कि हमने तैयारी करा था उस समय MSc एग्जामिनेशन में आया था, पेरिटोनियम याद रहेगा, पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो है वो मछली की होती है, तो मछली में क्या करते हैं, वहां पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा, यही पिट्यूटरी के हार्मोन्स वाला। और प्रारंभ में मछलियां जो होती हैं प्रति एक किलो भार पर, क्या होते हैं, प्रति एक किलो की मछलियां यदि रही तो उसमें हम 2 से 3 ml इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक, इस चीज को आपको याद रहे। और 6 घंटे बाद 5 से 6 प्रति किलो भार के हिसाब से मछलियों के एक औसत इंजेक्शन दिया जाता है, और जो नर मछलियां होती हैं, जो मेल होता है उसको कम मात्रा में हार्मोन दिया जाता है, और जो फीमेल होती हैं उन्हें अधिक मात्रा में इंजेक्शन दिया जाता है। और इन्हें अब बांस से, क्या, बांस से बंधे कपड़े से हफ्फा, यानी देखो ना, हफ्फा मतलब समझ लो एक बड़ा सा ऐसा डिब्बा होता है, यानी ऐसे कह लो एक ऐसे बनाया जाएगा बड़ा सा, ठीक, ऐसे होता है, तो इसमें इसको हफ्फा कहते हैं हम लोग, ठीक, हम नहीं कहते भाई, सारे लोग कहते हैं इसको, ठीक, ऐसे होता है, इसमें नेट लगा होता है, क्या होता है, इसमें ढेर सारा नेट लगा होगा, इसके बारे में बता रहा है। और यहाँ पे एक सर्कुलेशन पॉइंट होते हैं जहां से इसको निकाला जाता है। तो बांध से ये क्या है, बांध से बने हफ्फे से हम इनको निकाल कर अलग कर देते हैं, और 24 घंटे बाद मछलियों में देखा जाता है जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज हो जाती है, और अंडजन होता है उसको वो प्रेरित हो जाती है, यानी अंडजनन करने लगती है। ये मेथड होता है हार्मोन्स देने का। इतना क्लियर हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेके अगले नए टॉपिक को, तब तक के लिए जय हिंद।